फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट। 4 दिन से ज्यादा हो गए लेकिन पुलिस अभी तक जागृति विहार स्थित भागमल ज्वेलरी शोरूम को लूटने वे लूट का विरोध करने पर शराब पुत्र के गोली मारकर हत्या करने वाले बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। इसके विरोध में संयुक्त व्यापार संघ निर्वाचित ने रविवार को मेरठ बंद का आह्वान किया है। वहीं शास्त्री नगर जागृति विहार व्यापार संघ के आह्वान पर आज दोनों ही इलाकों के अधिकांश बाजार व दुकानें बंद हैं। शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट गुट आह्वान करने वालों से अलग है। लिहाजा अध्यक्ष किशोर वाधवा के प्रभाव वाली कुछ दुकानें अवश्य इन्हें बंद कराने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही गुटों में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए टकराव मारपीट जैसे हालात बन गए, जिस पर भारी पुलिस बल वहां पहुंच गया और पुलिस ने लाठी फटकार कर दोनों गुट को अलग कर दिया। 8 सितंबर को जागृति विहार स्थित भागमल ज्वेलर शोरूम को 4 बदमाशों ने लूट लिया था। लूट का विरोध करने पर पहचान लेने की बात कहे जाने पर बदमाशों ने शराब पुत्र अमन जैन को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया था। बकौल शोरूम मालिक सतीश जैन, बदमाश जाते हुए 10 लाख रुपए नगद व 5 किलो चांदी लूटकर ले गए थे। स्थानीय लोगों ने इस घटना के बाद पुलिस के प्रति खासी नाराजगी दिखाई दी। दरअसल घटना के तुरंत बाद ही मेडिकल थाना प्रभारी कुलवीर सिंह को करीब 15 बार फोन किए गए, लेकिन थाना प्रभारी ने फोन नहीं उठाया। इतना ही नहीं, पुलिस अफसरों व मीडिया को भी उन्होंने बरगलाने की कोशिश की। नवनियुक्त पुलिस क्षेत्र अधिकारी पूनम सिरोही ने घेराव के दौरान इस बात को स्वयं स्वीकारा था कि थाना प्रभारी ने इस घटना के बाद उनके फोन भी नहीं उठाए थे। जातीय विधायक का संरक्षण होने के कारण थाना प्रभारी और पुलिस अफसर हाथ डालने से कतरा रहे थे, लेकिन जब लखनऊ तक शिकायतें हुई तो पुलिस कप्तान अजय साहनी को थाना प्रभारी कुलवीर सिंह को निलंबित कर देवेंद्र सिंह को चार्ज देना पड़ा। लोगों को शांत करने के लिए पुलिस व एडीएम सिटी अजय तिवारी बार बार यह आश्वासन दे रहे थे कि बदमाशों के बेहद करीब पुलिस पहुंच चुकी है, जल्द ही इस घटना का खुलासा हो जाएगा, लेकिन 4 दिन बीत चुके हैं और ऐसा नहीं हुआ। जिस पर संयुक्त व्यापार संघ निर्वाचित ने खुलासा न होने पर रविवार को मेरठ बंद की घोषणा कर दी। व्यापारी नेताओं में इन दिनों जमकर मतभेद चल रहे हैं, लिहाजा तुरंत ही आवाज आ गई कि सभी बाजारों के पदाधिकारियों से सहमति लेकर ही मेरठ बंद का आह्वान किया जाए। उधर निर्वाचित संघ से अलग चल रहे शास्त्री नगर जागृति विहार व्यापार संघ ने एक दिन पहले शनिवार यानी आज दोनों इलाकों के बाजार बंद करने की घोषणा कर दी। भाजपा के प्रभावशाली लोगों का संरक्षण होने का असर यह हुआ कि दोनों ही इलाकों के बाजारों ने शनिवार के बंद पर अपनी सहमति दे दी और बाजार बंद हो गए, लेकिन सेंट्रल मार्केट की कुछ दुकानें इस बंद में शामिल नहीं हुई। किशोर वाधवा, अध्यक्ष सेंट्रल मार्केट। सेंट्रल मार्केट व्यापार संघ द्वारा बंदी की संडे की घोषणा की गई थी और फर्जी तरीके से बनाया गया व्यापार संघ जो कि जितेंद्र अग्रवाल, बिल्लू, नवीन शर्मा आदि का है, इनकी शनिवार की बंदी थी। तो हमारा आज बाज़ार खुलना था, ये सुबह 9 बजे असामाजिक तत्वों के साथ बाज़ार में आकर के दुकानदारों से बदतमीजी करी और गाली गलौज करके दुकान बंद कराने की कोशिश की, जिसका हमने विरोध किया। जागृति विहार में जो दुहासी घटना लूट की हुई है उसको लेकर के मेरठ में 2 गुटों में अलग अलग दिन की बंदी की घोषणा हुई थी। हमारी संडे की घोषणा थी, लोगों की शनिवार की घोषणा थी और उसमें जो बदतमीजी की गई उसके बाद पुलिस वालों ने लोगों को लठियाया और तब जाके यहाँ से भागे, यहाँ धरने पर बैठे हुए। ये जिन लोगों ने फर्जी तरीके से व्यापार संघ बनाया, शास्त्री नगर जागृति विहार से व्यापार संघ, बिल्लू, नवीन शर्मा, जितेंद्र अग्रवाल आदि बहुत से लोग हैं, असामाजिक तत्व इनके साथ हैं जिनके साथ ये गुंडागर्दी बाजार में कर रहे हैं। हम लोगों का आह्वान था शास्त्री नगर जागृति व्यापार संघ का जो संयुक्त मोर्चा है उसका ये आह्वान था और कल भी और आज भी सुबह से सभी व्यापारी बंधु एकत्र होकर सभी व्यापारियों से हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे कि वो अपने युवा साथी अमन गुप्ता, अमन जैन की हत्याकांड के बदले जो हुआ है उसके विरोध में बंद को समर्थन दें। लेकिन कुछ लोग जिनका कोई व्यापार यहाँ नहीं है लेकिन बरसों से वो पदाधिकारी हैं, वो इसका विरोध कर रहे थे। उनके विरोध के बावजूद भी पूरे क्षेत्र में लगभग 95% से 97% व्यापार और व्यापारियों ने अपना व्यापार बंद कर अपने युवा साथी अमन जैन को अपनी श्रद्धांजलि दी है।
उसके हथियारों को पकड़े या पकड़वाने में अपना सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सभी व्यापारियों को शास्त्री नगर और जागृति बाजार व्यापार संघ के संयुक्त संघ को बधाई देता हूं कि उन्होंने आज जो ये बंद किया है अपने युवा साथी के उसमें, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनकी मेहनत ने अपने साथी के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ी है, जो लड़ाई आगे वो लड़ते रहेंगे, हम उनका सहयोग करते रहेंगे संयुक्त व्यापार संघ के। अच्छे अच्छे बुला बुला कर उनसे कह रहे हैं कि दुकान खोलिए, आप दुकान खोलिए, दुकान खोलिए। उसके यहाँ आपस में पुलिस प्रशासन जो है मौजूदगी में रहा है। एक पंकज बजाज नाम का लड़का यहाँ रहता है, जो यहाँ चौपले पे खड़ा रहता है, कभी किसी की जो है बिजली का छापा लगवाता है, कभी चौकी से, कभी किसी से, वो दलाली के रूप में अपने आप को पत्रकार बताता है, और यहीं चौपले पे खड़ा रहता। वो आया, उसने ईंट उठाई और व्यापारियों की तरफ जो है ईंट उठा के जो है उसने मारने का काम किया। पुलिस सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब वहाँ मौके पे मौजूद रहे, वो बीच में थे। उसके बाद फिर वो भाग के आया, फिर उसने मारने का प्रयास किया। पुलिस खड़ी देखती रही और पंकज बजाज अब भी पुलिस वालों के यहीं पास में खड़ा हुआ है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, हमने कानून कार्रवाई करने के लिए अपनी तरफ से जो है एप्लीकेशन थाना अध्यक्ष के लिए दे दिए, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं जागृति बिहार में जो हत्या हुई है उसके संबंध में हम लोगों ने वहाँ के पी सिंह अध्यक्ष जी ने कहा था कि सूक्ष्म में आप सेंट्रल मार्केट शास्त्री नगर बंद कर लें। जागृति बिहार हमने पूरी व्यवस्था के साथ बंद रखा है। कुछ व्यापारी हैं जो कि यहाँ के व्यापारी भी नहीं हैं और माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उन्होंने जो है ईंट उठा के मारनी भी चाहिए। एक हमारे अध्यक्ष जी की लात भी मारी, मगर हमने सबको इस तरफ करके थाना अध्यक्ष महोदय ने भी पेशाब कराया और 95% हमारा सेंट्रल मार्केट बंद है। शास्त्री नगर पूरा बंद है, पूरा शास्त्री नगर जागृति बिहार पूरा बंद है 95%। व्यापारियों को हमें जो है इस बात का धन्यवाद कहना है। इस दौरान नौचंदी थानेदार आशुतोष को भी व्यापारियों ने यह कहते हुए आड़ हाथ लिया कि उन्हें मालूम है कि रात को होटल्स में क्या होता है। बहुत खाना खा लिया और बहुत काम कर लिए, रोज रात को जो होता है होटल में दिखाई देता है सबको। सारे षड्यंत्र फेल हो गए मिलकर। कुल मिलाकर व्यापारी भूल गए कि आज का बंद भागमल ज्वेलरी शोरूम के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आहूत किया गया है, अथवा एक दूसरे को नीचा दिखाने वे आपसे दुश्मनी निकाल लें। नौचंदी थानेदार आशुतोष को यह कहते हुए भी इस दौरान सुना गया कि किशोर वाधवा को जो कुछ भी कहना है वह लिखित में दें, आगे की कार्रवाई तभी होगी। व्यापारियों ने यह कहते हुए भी विरोध जताया कि पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाने का है, दुकान खुलवाने का नहीं। संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता को यह भी इस दौरान कहते सुना गया कि अब जिसे लाठी चलानी है वह चलाकर दिखाएं। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट।